12 बज रहे हैं और सफ़र अभी हमारा शुरू हो रहा है लाहौर टू कराची। तो साथ साथ मैं एवरेज वगैरह भी शेयर करूँगा और उसका मैं मीटर कर देता हूँ 0। चलो जी देखते हैं कितने किलोमीटर का सफ़र होता है, कितनी देर में होता है। अच्छा जी, तो तकरीबन 12:35 का टाइम हो रहा है और अभी हमने रावी का जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस किया है। हाँ जी, तो फिल वक्त हम मोटर वे चढ़ चुके हैं और मैंने तो फिल वक्त 100 की स्पीड पर क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया क्योंकि पीछे से मेरे पे भी कंट्रोल है और साथ में लेन असिस्ट का ऑप्शन ऑन कर दिया है, स्टीयरिंग ऑटो कंट्रोल का ऑप्शन ऑन कर दिया है। हाँ जी, तो ये खाली रोड्स देख के ना 1:10 भी कम लग रही थी, तो और जो क्रूज़ मजीद लग जाता था 1:15 पे लग सकता था वो लगा दिया है और एवरेज आ गई है वैसे 20 पे, पहले थी 23, आहिस्ता आहिस्ता करते करते 20 पे आ गई है। जी तो ये M3 पे राजाना सर्विस एरिया है, यहाँ पे हम अभी रुके हैं। अभी मैंने पेट्रोल भी रिफिल करवा लिया थोड़ा सा और यहाँ से तकरीबन 3,2750 का आ गया इसके अंदर, अभी यहाँ कुछ थोड़ा इजी होंगे चलेंगे। हाँ जी, तो 2:18 पे हम यहाँ पे आके रुके थे, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, यहाँ पे चाय शाय पी, कुछ रिफ्रेशमेंट हुई। अब मैं ज़रा पैसेंजर सीट पर आ गया हूँ। हाँ जी, 2:18 पे रुके थे, 2:37 पे 2:37 पे हम आप दोबारा रवाना हो चुके हैं। 3:12 हुए हैं और हम अभी M3 से M4 पे चढ़े हैं, अभी हमने टोल क्रॉस किया है। अच्छा जी, अब हम जब M4 पे इंटर हुए हैं तो हमें ये पर्ची दी कि इस पे तरखाना डारखाना जो भी कहते हैं वाली। अच्छा, इस रोड पे आने के बाद ना M4 पे आने के बाद ट्रक्स का रुझान थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ये कि M3 से M4 पे आए तो पहले 3 लेन का रोड था, अब 2 लेन का रोड है, तो उस पर थोड़ा आपको पिछले की नस्बत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती क्योंकि यहाँ पे उसकी नस्बत ट्रैफिक का फ्लो भी आपको थोड़ा सा मिलता है। अच्छा जी, अभी टाइम हो रहा है 4:15, अभी हम M4 से M5 पे चढ़े हैं और हमने उधर टोल पे किया है 170 और उसकी टिकट कहाँ गई, ये जो हमने पे किया और हाँ और ये जो हमें अभी मिला और तकरीबन 4:15 तक हम 355 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं अराउंड 100, 115, 120 इस स्पीड में। हाँ जी, तो माशाल्लाह सुबह भी होने लग गई है और हम तकरीबन अभी रेस्ट एरिया आ गए। हाँ जी, तो 4:42 का टाइम हो रहा है, अभी हम यहाँ पे एक रेस्ट एरिया पे बीच में रुके हैं, अभी यहाँ फजर की अराइव। अच्छा, मुझे इस सर्विस स्टेशन का नाम तो नहीं पता क्योंकि गूगल मैप पे शो नहीं कर रहा था। बहरहाल ये M5 पे है और काफ़ी गाड़ी यहाँ पे आके रुकती है। जी, तो हम जो रेस्टोरेंट में रुके थे अभी हम 5:09 पे वहाँ से अब दोबारा ऑन रोड हो गए हैं और रोशनी हो चुकी है। पहले तो पूरे रास्ते ही था बस रोड ही रोड देखकर और साइड में तो कुछ नज़र आने का सीन ही नहीं था, अब ये के नज़ारे खूब होंगे। इसी दफ़ा पेट्रोल रिफिल करवाया मैंने, 5,650 का बना है, तकरीबन 23 लीटर आया है। M5 पे सफ़र चल रहा है, पेट्रोल आधा हो चुका था, मैंने उसे दोबारा भरवा लिया जाए, आगे कुछ पता नहीं कब कहाँ आएगा दोबारा। सो ये गोरॉन के नाम से है पंप यहाँ पे। हाँ जी, तो अभी 8:11 हो रहे हैं, बस अभी ही हमने रोडी टोल प्लाजा क्रॉस किया है और यूँ समझो कि हम सिंध में शामिल हो गए, सिंध के इलाकों में। हाँ जी भाई, तो अभी ये शक्कर पर जो डाइवो का टर्मिनल है इसके पास अभी रुक के हमने तकरीबन आधा घंटा मजीद स्पेंड किया है नाश्ता करने में और अब हो रहे हैं 8:52 और हम दोबारा कराची तरफ रवाना हो चुके हैं।
हाँ जी, तो अभी हो रहे हैं 3:23 और हम अभी कराची के लियारी एक्सप्रेस पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारी जर्नी होती है ख़त्म। और हमें जितना टाइम एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा लगा। हम 12 बजे निकले थे और 3:23 में पहुँचे हैं यहाँ पे। रास्ते में हम तकरीबन मेरा ख्याल 2 दफ़ा रुके थे, आधा घंटा। बाकी पेट्रोल की सूरत हाल है कि पहले मैंने डलवाया था 8,350 का, उसके बाद फिर मैंने 2,750 का डलवाया था, उसके बाद 5,200 कुछ का डलवाया था मैंने, तो वो यहाँ पर के पूरा हो चुका था। अभी मैंने 2,000 का फिर यहाँ वाले पंप से डलवाया जो लियारी एक्सप्रेस के शुरू में ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।